बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमान टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम डेटा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज आपको अपडेट कर रहे हैं गुजरात के सूबाई असम्बली के हलका बेबी 33 लाला मुसा से, जहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज किया गया। फॉर्म 47 के तहत मुस्लिम लीग कौफ के जो सैयद मदद अली शाह हैं, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इस रिजल्ट को पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने चैलेंज किया। दोबारा गिनती जो है वो की गई और पीपल्स पार्टी के जो हैं वो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर, जबकि चौथे नंबर पर पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। फॉर्म 47 के तहत दोबारा गिनती की गई तो सैयद मदद अली शाह जो हैं उनके करीबन चंद सौ वोट जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए। पहली पोजीशन ही उनकी बरकरार रही, जबकि पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी 2000 वोट बढ़ने के बाद भी दूसरी पोजीशन बरकरार रही, लेकिन पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि चौथे नंबर पर थे, 8000 करीबन वोट बढ़ने के बाद वो तीसरे नंबर पर आ गए, जबकि 2000 वोट बढ़ने के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी तनवीर कोटला चौथे नंबर पर जो है वो अपनी पोजीशन जो है उन्होंने मज़ीद एक पोजीशन जो है वो डाउन हो गए। और इस तरह जो है मुस्लिम लीग काफ पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर और पीडीआई के हमारे उम्मीदवार तीसरे पे, जबकि मुस्लिम लीग नून इस हलका में जो है वो चौथे नंबर पर रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और सैयद मदद अली शाह जो है इस इलेक्शन को जो है वो जीत चुके हैं। दोबारा गिनती में भी जो है उनके वोट चंद सौ वोट मजीद जो है बढ़ चुके हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।